हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, इसीलिए आज हम आए हैं सांवरिया सेठ जी के मंदिर। बहुत ही अच्छा मंदिर है गाइस, और कहा जाता है कि ये मंदिर 450 साल पुराना मंदिर है। और चित्तौड़ से ये मंदिर है 41 किलोमीटर्स की दूरी पर, और अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो उदयपुर से ये है 65 किलोमीटर्स। अभी हम निकल चुके हैं दर्शन के लिए। कहा जाता है गाइस कि ये जो मंदिर है वो मीराबाई, जिस कृष्ण भगवान की जो पूजा करती थी, ये वही रूप है उनका। और लोगों की ये मान्यता है कि जितना वो यहाँ चढ़ाते हैं उससे ज़्यादा कृष्ण भगवान उनको देते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा चढ़ावा आता है। और हर महीने चढ़ावे की जो पेटियाँ हैं वो खुली जाती है। बहुत से लोग यहाँ पर पैदल यात्री भी आते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे रास्ते में सब लोग पैदल जा रहे हैं। जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है, जिसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, वो लोग वहाँ पे दर्शन करने के लिए ज़रूर आते हैं। कोई पैदल जाता है, अलग अलग रूप में यहाँ पे लोग अपनी दिल की जो ख्वाहिश होती है उसको पूरा होने के बाद उस मान्यता को पूरा करने के लिए आते हैं यहाँ पे। मॉर्निंग में 9 बजे हम यहाँ पहुँच गए हैं गाइज, और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, गर्मी बिल्कुल नहीं है। अगर आप राजस्थान आते हैं तो विंटर सीज़न बहुत ही अच्छा रहता है घूमने के हिसाब से, इसीलिए अगर आप तब आएँ तो बहुत ही सही रहेगा आप लोगों के लिए। गाड़ी पार्क कर लेने के बाद हम लोग आ गए हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर। ये है मंदिर का मुख्य द्वार, और यहाँ से जेंट्स को अलग एंट्री है और लेडीज़ को अलग। मोबाइल यहाँ पे अलाउड है, वीडियो यहाँ पे अलाउड है, इसीलिए मैंने पूछ लिया। नहीं तो बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे आप फ़ोटोशूट या वीडियो शूट नहीं कर सकते हो। जो रास्ता है गाइस, पूरा मंदिर का बहुत ही सुंदर है, और जितनी भी ये कलाकारियाँ जो बनाई हुई है, पत्थरों पे उकेरी हुई है, ये सारी हाथों से बनाई गई है। मंदिर एकदम बीच में है, आप एंटर करेंगे और आप एग्ज़िट जब करेंगे तो आपकी एक परिक्रमा पूरी हो जाती है दर्शन के बाद। ये भी व्यवस्था बहुत अच्छे से की गई है यहाँ पर। और आज जब हम आए हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है, क्योंकि जन्माष्टमी यहाँ का मेन फेस्टिवल है, और फूल डोर महोत्सव भी यहाँ का होली पे जो होता है बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। हरियाली अमावस्या, होली, दीपावली, ये सारे जो त्यौहार आते हैं यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। पूरा बीच में गार्डन बनाया हुआ है। लगभग मैं 8 से 9 साल बाद यहाँ आई हूँ, तो पूरा तरीके से ये चेंज हो गया है। और जो हर साल यहाँ पे भंडारा जो खुलता है, उसकी जो भी राशि आती है उससे मंदिर का डेवलपमेंट किया जाता है। और यहाँ के जो आसपास के 16 गांव हैं, यहाँ की मंदिर ट्रस्ट उन सब गांवों का भी विकास यहाँ पे कर रही है। बहुत अच्छे से मंदिर को बनाया गया है, और मंदिर की दीवारों पे कृष्ण भगवान के सभी रूपों की, जितने भी उनकी जीवनी है उसके बारे में पेंटिंग्स लगाई गई है। अगर आप अच्छे से घूमेंगे तो आपको ये मंदिर घूमने में 2-3 घंटे लग जाएंगे। ये मंदिर का बाहरी जो रूप है गाइस, ये वो है राधा के साथ, मीरा के साथ, उन्होंने जो भी अपने जीवन में किया था वो पूरा पेंटिंग्स के रूप में दर्शाया गया है यहाँ पे। यहाँ पे मोस्टली गुजरात के लोग बहुत आते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान के बहुत ज़्यादा भक्त गुजरात में स्थित हैं, बहुत ज़्यादा। राजस्थान के लोग भी यहाँ पे आते हैं। ये जो आकृतियाँ उकेरी हुई है पत्थरों पे, वो आप देख सकते हैं। मंदिर की एंट्री पे गाइस, जब आप एंटर करते हैं तो गणपति जी का मंदिर है, और एग्ज़िट करेंगे तो शिव भगवान का मंदिर है। ये है एंट्री। जो अभी हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर, और पूरा गोल्डन गोल्डन मंदिर के जो ऊपर के पिलर्स हैं वो, और उन पे डायमंड और कुंदन का वर्क। बहुत ही पॉजिटिविटी। सांवरिया सेठ की जय। ये है मंडपिया वाले शाम,
इस पर फोटो ले पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसीलिए पुजारी जी ने मुझे फोटो क्लिक करके दिया तो ये मैंने ले लिया। ये है मंदिर का पूरा बाहर का दृश्य, एक तरफ से हम एंटर होते हैं और एक तरफ से एग्जिट, और ये है पूरा सेंटर में पूरा मंदिर है। मार्केट अगर आप यहाँ घूमना चाहें तो घूम सकते हैं, पूरी तरीके से आपको यहाँ पर राजस्थानी कल्चर देखने को मिलेगा, कलरफुल सारी चीज़ें, रंग बिरंगा, यहाँ का जो राजस्थान जिसके लिए कहलाया जाता है पूरा कलर्स के और यहाँ के कल्चर के लिए। अगर आप कैमल राइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं, बहुत सारी यहाँ पे हैंडमेड चीज़ें भी आप ले सकते हैं, बैग्स हो गया, चप्पल हो गई, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप ख़रीद सकते हैं। और सांवरिया सेठ जी की अगर आपको तस्वीर चाहिए या कोई और शॉपिंग करनी है तो वो भी यहाँ पे बहुत ही बड़ा मार्केट है, लाठियाँ तलवार सारी तरह की चीज़ें यहाँ पे मिलती है गाइस। सो ये था मेरा पूरा सांवरिया सेठ जी का व्लॉग, मंडपिया वाले शाम का व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।